हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने वीडियो लेक्चर सीरीज टारगेट JRF में। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे अपने कुछ बेहद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बढ़ाते हैं एक और कदम JRF की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू CFC-11। ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जो हम मेज़र करते हैं उसके लिए रेफरेंस गैस कौन सी है? CFC-11 है। बट इसके साथ साथ हमें कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट तो आपका आंसर ही है इस क्वेश्चन का। दूसरा पॉइंट आप देखिए, अगर आप ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे किसी भी गैस के लिए, तो उसकी डेफिनेशन है द चेंज इन द टोटल ओजोन पर यूनिट मास इमिशन ऑफ द गैस रिलेटिव टू द चेंज इन द टोटल ओजोन पर यूनिट मास इमिशन ऑफ CFC-11। CFC-11 CFC-11 का जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है वो होता है 1, जो किसी भी CFC गैस के लिए हाईएस्ट है। वहीं पे आप अगर हेलोन्स 1211 एंड 1301 की बात करो तो इनका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू CFC-11 जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रोमीन इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड इट रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ डीएक्टिवेशन ट्रैप एज़ कम्पेयर विथ क्लोरीन। तो आपने इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको, ये 4 पॉइंट, इनको आप अच्छे से लिख लें और लिख के बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। इस टेबल में मैंने दिखाया हुआ है डिफरेंट CFCs और उनका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल विद द रेफरेंस ऑफ CFC-11। तो यहाँ पे आप देखिए कि CFC-11 का जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है इट इज़ 1 और इसके बाद में ये कम होता चला जाता है। और वहीं पे आपके हेलोन्स 1211 एंड 1301 जो है उनका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल कितना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CFC-11। हेलोन 1211 का 6 और हेलोन 1301 का कितना है 12। तो ये सारी की सारी जितनी भी मैंने यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं इस टेबल में आप देखिए, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है बिकॉज इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी गैस का ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हमें 2 लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1 में हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में हमें इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं जिनसे हम मेज़र करते हैं इन पोल्यूटेंट को। तो यहाँ पे मैंने इस टेबल में सही मैच करके ये लिखे हैं, प्लीज़ आप ऐसे ही इसको याद कर लेंगे। जो आपके PAH होते हैं उनको हम किस टेक्निक से मेज़र करते हैं? HPLC। इसके अलावा हम GC से भी इसको मेज़र कर सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। हैवी मेटल्स के लिए मोस्ट कॉमनली हम AAS यूज़ करते हैं, बट आजकल इससे भी अच्छी टेक्निक आ गई हैं ICP-MS, ठीक है, तो हम उससे भी हैवी मेटल्स को मेज़र कर सकते हैं। सल्फेट आयन, इसके लिए हम आपका UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। वहीं पे न्यूक्लियोटाइड्स के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोपोरोसिस। तो दोस्तों, आपने इस टेबल को ऐसे ही याद कर लेना है। मेरा यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि आपके जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उसको आप किस टेक्निक से मेज़र करते हो? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लिख के सर्च करके मुझे बताएंगे। अगले क्वेश्चन में फिर से हमें 2 लिस्ट दी हुई हैं। पहली लिस्ट में हमें डिफरेंट इन्वायरमेंटल मोमेंट्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में किस ईयर में वो स्टार्ट हुए थे। तो अगर हम बात करें साइलेंट वैली मूवमेंट की, तो ये शुरू हुआ था 1978 में। चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था 1973 में। अपीको
1983 एंड आपका गांधमार्धन मोमेंट जो है ये शुरू हुआ था 1980 में। इसके लिए भी मैंने ये टेबल बनाई हुई है, आप भी ऐसे ही इनको याद कर लें, बिकॉज हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में ये चार के चार ना पूछ के आपसे कोई एक पूछ ले। यहीं पे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस CO2 हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड इन द वेवलेंथ रीजन ऑफ मोर देन 13 माइक्रोमीटर। ये तो हुआ इसका सही आंसर, बट यहाँ पे आपको कुछ और ग्रीन हाउस गैसेस के एब्जॉर्बिंग बैंड पता होने चाहिए, बिकॉज हो सकता है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई और गैस पूछ ली जाए। तो अगर हम वाटर वेपर की बात करें तो वाटर वेपर जो है वो स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन विद द वेवलेंथ लेस देन 8 माइक्रोमीटर और ग्रेटर देन 18। और CO2 का जो मेन स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड है वो है 15 माइक्रोमीटर, इसके अलावा 2.7 और 4.3 वेवलेंथ के रेडिएशन में भी ये एब्जॉर्ब करती हैं। मीथेन के लिए आपका 7 to 8.5 और N2O के लिए है 3.5 एंड 7.5 to 9 और ओजोन के लिए 9। तो इस टाइप से आप इस ऐसे ही 3-4 अपने बुलेट पॉइंट बना लें और इसको अच्छे से याद कर लें। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे अभी तक डिस्कस किए हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सभी आपको समझ में आए होंगे, बट अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे किसी भी क्वेश्चन से लेके मेरी किसी भी एक्सप्लेनेशन को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दूँ। दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको किया है कि आपके सोडियम और पोटेशियम मेटल्स को हम किस टेक्निक के साथ में डिटेक्ट करते हैं, तो दोनों एलिमेंट की डिटेक्शन टेक्निक कौन सी है ये आपने मुझे बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और इससे पहले भी आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, लगातार पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आपका आने वाला है। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में हैं, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।